दिल्ली में हो रहे एमसीडी चुनाव को लेकर हर प्रत्याशी इस समय डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन उतने प्रत्याशी, आपको बता दें कि उसी में से एक ऐसे प्रत्याशी को हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अपने शिक्षक के रिटायरमेंट पर जो है ये पहुंच जाते हैं स्कूल। जी हाँ, जहां एक तरफ इस समय जो उनका बिजी शेड्यूल है उस शेड्यूल से टाइम निकालने के बाद अपने गुरु का आशीर्वाद लेने पहुंचे, क्योंकि आपको बता दें कि वसंत कुंड वार्ड से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमरजीत को उतारा गया है। अमरजीत आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और जैसे ही उनको पता चला कि उनकी जो टीचर हैं उनका रिटायरमेंट आज है और डीएवी स्कूल में वो पढ़ाई करते थे, तो रिटायरमेंट का उस समय जब वो जा रही थी तो स्कूल की विदाई में खुद अमरजीत भी पहुंच गए। इससे साफ जाहिर होता कि किस तरीके से अमरजीत जो है अपने शिक्षकों का, अपने गुरुओं का मान सम्मान कर रहे हैं, चाहे उनके शीर्ष नेतृत्व जो लोग हैं उनका किस तरीके से वो सम्मान कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर और भी जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और खुद अमरजीत ने भी इसी स्कूल से पढ़ाई करी थी, जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से अमरजीत ने पढ़ाई करी थी, उसके बाद टीचर की रिटायरमेंट की विदाई में किस तरीके से अमरजीत शामिल हुए और क्या कहा आम आदमी पार्टी के इस प्रत्याशी ने। आइए हम उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। आइए देखिए कैमरामैन विनोद के साथ नादरा साहिन की ये रिपोर्ट। सब लोगों की टीचर्स की जो अच्छी शिक्षा जो आप लोगों ने मिली और संस्कार, मेरे को अभी तो थोड़ा सा मैं तो तौफा बिगड़ गया हूँ। ये तो राजवीर शास्त्री सर और हम यज्ञशाला हमारी पीछे होती थी तो वहाँ पे हमारे कम दस थे, मतलब भाई हर्ट मेरे को याद थे, अभी भी थोड़ा याद है। और बहुत सारी मैं इनको भी मैंने आप लोगों की ब्लेसिंग से आगे भी अपने जीवन में बढ़ूंगा, बस आप लोगों की ब्लेसिंग। तो स्कूल के लिए तो हमारा स्कूल के बाहर स्टूडेंट जा रहे हैं, तो ये हमारा डीएवी स्कूल भी और साथ में सर्वे स्कूल भी, तो बहुत सारे स्कूल छुट्टी के समय जाते हैं या सुबह आते हैं, तो यार सेफ्टी का एक इशू हो जाता है। बड़ा चलता हुआ रोड है और वो तो पीडब्ल्यूडी के साथ मिलते हैं, बड़ा प्रोजेक्ट हमारे वसंत स्कूल से और मेरे स्कूल से स्टार्ट हो रहा है रोड सेफ्टी, वो मॉडल हम यहाँ पे कर रहे हैं। डेमो भी स्कूल में अभी थोड़े दिन पहले सर्वोदय स्कूल में वसंत स्कूल के साथ ही आ रहा था, उसके साथ में इशू हुआ था, तो जो स्टूडेंट्स हमारे सुबह आते हैं जाते तो उनका सेफ मैसेज रहे कैसे आए जाए, तो वो चीज़ यहाँ पे डेवलप हो रही है और पूरी दिल्ली में और पूरी इंडिया में सबसे पहले हमारे स्कूल में होगी, हमारे स्कूल में होगी। अमरजीत जी, आप अपने बचपन में जहाँ पे पढ़ाई है उस स्कूल में पहुँचे हैं जी, क्या कारण है और किस तरह का यहाँ पर स्नेह पे आप मिला? देखो जी, जैसा कि सबको पता है कि गुरु से बड़ा शिष्य कोई नहीं है, हमारा एक दोहा भी है, गुरु गोविंद दो फड़े काको लागू पाए बलिहारी गुरु आपने, मतलब गोविंद लियो बुलाए, तो गुरु से बड़ा कुछ नहीं है। और आज हमारी एक हिंदी की टीचर थी इंदिरा मैम, आज उनका यहाँ रिटायरमेंट फंक्शन था, तो जैसे ही स्कूल वालों को पता लगा कि इस स्कूल के बैच का एक बच्चा आज एमसीडी के इलेक्शन लड़ रहा है, तो स्नेह था, उन्होंने मुझे बुलाया कि बेटा आप आओ, इंदिरा मैम ने और बाकी हमारी जो टीचर्स थी तो उन्होंने मुझे आज यहाँ स्कूल में बुलाया है, तो मैं बहुत खुश हूँ अपने स्कूल में दोबारा आकर। और हालांकि मैं यही मसूदपुर में रहता हूँ और ये यहाँ पे मैं पढ़ाऊँ, तो मैं 2000 में स्कूलिंग मेरी पूरी हो गई थी, पर उसके बाद भी मेरा टीचर्स के साथ जो कॉन्टेक्ट था लगा रहता था, मैं अपने स्कूल के टीचर से मिलता जुलता रहता था। आज आप जब स्कूल में पहुँचे तो जब आप पढ़ाई कर रहे थे उस समय के भी बहुत सारे टीचर आपको मिले? हाँ जी। क्या उस तरह का वो पुरानी यादें आपको ताज़ा हुई? बिल्कुल, पुरानी यादें ताज़ा हो गई, बहुत सारे टीचर्स मिले, बहुत सारे रिटायर हो गए हैं, हमारी बायो की मैम मिली, इकोनॉमिक्स की मैम मिली, हमारी हिंदी टीचर्स मिली जो कि आज रिटायर हुए हैं, हमारे वेद पाठ के हमारे सर मिले, हमारे गुरु जी मिले, और हमारे फिजिकल एजुकेशन के क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था तो वो सर मिले हैं,
हमारी फिजिक्स की टीचर मिली, तो सभी मिले और बहुत सारी यादें भी ताज़ा हुई और वो सारे पल भी याद आ गए कि कभी कान भी ऐठा जाता था और पिटाई भी होती थी और प्यार भी मिलता था। तो सारी चीज़ें आज दिमाग में एकदम से फिर से वो सारी रिफ्लेक्ट हो गई, याद आ गई। अच्छा, पहले आप स्टूडेंट के तौर पे आते थे, आज आप एक प्रत्याशी के रूप में आज स्कूल में आए हैं, किस तरह का आशीर्वाद मिला गुरुजनों का? पहली बात तो ये, मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, मैं स्कूल के प्रांगण में अब आया हूँ, तो मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ और पूरी ज़िंदगी भर यहाँ का स्टूडेंट ही रहूँगा। स्कूल्स के लिए मैं प्रत्याशी, तो ठीक है मेरे को पार्टी ने चुना है, पर ये मेरा स्कूल है तो यहाँ के लिए तो मैं, और यहीं से मैंने शिक्षा ली है और मुझे सभी अपने टीचर्स का बहुत आशीर्वाद मिला है, बहुत प्यार मिला। और मेरे लिए एक एडिड एडवांटेज भी है कि हमारे बहुत सारे टीचर्स जो है ना वो संतकुनी में रहते हैं, वो हमारे वोटर हैं, तो मेरे लिए एक वो एडिड एडवांटेज भी है। तो जीत सुनिश्चित है 100%।